यूपी में फिर से योगी सरकार आ चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्ण कार्यकाल के बाद फिर से सत्ता में लौटने वाले पहले पदाधिकारी बनने वाले हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में मिली बीजेपी की सफलता के पीछे आखिर क्या वजह है। आइए आपको वो 10 वजहें बताते हैं जिनके चलते यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की जय जयकार हुई है। पहली वजह, कानून व्यवस्था और बुलडोजर छवि। साल 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश की पहचान खराब कानून व्यवस्था वाले सूबे के तौर पर थी, योगी ने आते ही सबसे पहले इसी मुद्दे पर काम करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 5 साल में ही योगी ने सूबे की कानून व्यवस्था बदल कर रख डाली। सत्ता पर बैठते ही योगी ने कड़े फैसले लिए। धड़ाधड़ हुए एनकाउंटर के बाद जहां कई बड़े माफिया सरगनाओं ने हथियार भी डाल दिए थे, जिसके चलते यूपी की जो छवि है उसमें एकाएक तब्दीली आई। दूसरी वजह, हिंदुत्व का एजेंडा और मंदिर निर्माण। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे को सबसे प्रमुखता में रखा। राम मंदिर, काशी कॉरिडोर बनाकर इस मुद्दे को भुनाया भी। हिंदुत्व के इस मुद्दे के आगे बेरोजगारी, कोरोना मिसमैनेजमेंट, आवारा पशु और गरीबी जैसे मुद्दे छोटे पड़ गए। विपक्ष की तमाम घेराबंदी के बावजूद जनता ने बीजेपी को एक बार फिर सर आंखों पर बिठाया। तीसरी वजह, विकास का एजेंडा। योगी सरकार के कामकाज ने जीत की राह को आसान कर दिया। बीजेपी का कहना है कि उसने सभी जिलों में 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई थी। नोएडा में फिल्म सिटी बनाई जा रही है, जिससे न सिर्फ रोजगार पैदा होंगे, साथ ही इसके अलावा करीब 60 जनपदों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज का दावा भी किया जा रहा है। 6 नए सुपर स्पेशलिटी मेडिकल ब्लॉक की स्थापना। प्रदेश में एयरपोर्ट का दायरा बढ़ाते हुए 13 एयरपोर्ट और 7 हवाई पट्टी का विकास का दावा किया, जिसे जनता ने खूब सराहा। चौथी वजह, मोदी और योगी की छवि। योगी और मोदी की छवि ने बीजेपी की इस विजय यात्रा को और आसान कर दिया। यूपी में पार्टी ने उनकी लोकप्रियता का जबरदस्त इस्तेमाल किया। एग्जिट पोल्स में भी ये तथ्य सामने आए थे कि ऐसे लोगों की भी बड़ी संख्या रही जो सिर्फ योगी और मोदी के नाम पर वोट डालकर आई। पांचवी वजह, प्रदेश की आर्थिक तरक्की। सीएम योगी के कार्यकाल में प्रदेश की आर्थिक तरक्की भी हुई। सीएम ने बताया कि जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी, तब प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में 6ठे स्थान पर थी। वहीं यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही यानी पिछले 5 साल में प्रदेश की आर्थिक क्षेत्र में छलांग मारकर यूपी जो है वो दूसरे स्थान पर काबिज हो गया। उनके इस बयानों और भाषणों में यूपी की आर्थिक तरक्की को लगातार स्थान मिला और इसने बुद्धिजीवियों में उनकी छवि बेहतर की। पढ़े लिखे शहरी वर्ग को ये आर्थिक विकास का मॉडल और तर्क कुछ ज्यादा ही पसंद आया। छठी वजह, फ्री राशन समेत कई योजनाओं का मिला फायदा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी खास शैली के लिए जाने जाते हैं। कठोर फैसलों के साथ साथ उन्होंने कई योजनाओं की शुरुआत की, खासकर कोरोना काल में फ्री राशन की व्यवस्था। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को फ्री में राशन दिया गया। इस योजना के लाभार्थी साइलेंट रहे और ईवीएम के जरिए योगी का उन्होंने धन्यवाद जो है वो दिया। इसके अलावा मकान बनाने के लिए भी 2.5 लाख रुपए देना भी बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद रहा। सातवीं वजह, परिवारवाद और जातिवाद। पीएम मोदी और सीएम योगी ने परिवारवाद और जातिवाद के मुद्दे को हवा देते हुए एक साथ कांग्रेस समाजवादी पार्टी दोनों को निशाना बनाया। अखिलेश सरकार के समय उनके यादव रिश्तेदारों की नियुक्ति किसी से छिपी नहीं थी। इसके अलावा उनके अल्पसंख्यकों के समर्थन में हिंदू हितों की अनदेखी करने की बात भी सबको मालूम थी। इसके अलावा जातिगत समीकरण साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने ओबीसी समुदाय की तकरीबन सभी यानी ऑलमोस्ट सभी जातियों के एक विशाल इंद्रधनुषीय गठबंधन बनाया था। जनता में इससे यही संदेश गया कि ये सरकार सत्ता में आने के बाद विकास के बजाय इन्हीं सब खेल में जुटी रहेगी। आठवीं वजह, विकास के एजेंडे पर जोर। बीजेपी ने पूरे चुनाव में हिंदुत्व और विकास दोनों एजेंडों को साथ साथ रखा। जहां काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, तो वहीं पर जेवर समेत यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास उद्घाटन भी किया गया। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे,
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, सरयू नहर परियोजना की सौगात भी उत्तर प्रदेश को दी गई। पीएम मोदी ने पिछले 6 महीनों में दर्जनों विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं ने बीजेपी के डबल इंजन वाली विकासोन्मुख छवि को न सिर्फ पुख्ता किया बल्कि विपक्ष के आरोपों की धार को भी कुंद कर दिया। 9वीं वजह, पिछली सरकार की गलतियां। अखिलेश यादव के शासन काल में 2013 में भड़का मुजफ्फरनगर का दंगा इस बार भी सपा के लिए काफी भारी साबित हुआ। बीजेपी ने अपने चुनावी कैंपेन में सपा पर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों को भड़काने और दोषियों को शरण देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दावा कि उनकी सरकार आने के बाद यूपी सांप्रदायिक दंगों से मुक्त हो गया सच्चा साबित हुआ। कंपैरेटिवली लोगों को सीएम योगी की ये बात काफी सही लगी थी। 10वीं वजह, मोदी फैक्टर। इस चुनाव में भी बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान खुद पीएम मोदी ने संभाली। उन्होंने अपने प्रचार अभियान में 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर किया। इसी दौरान कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की कामयाबी, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मोदी की लोकप्रियता ने योगी सरकार की वापसी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पीएम मोदी की लोकप्रियता और सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन को लेकर पब्लिक यानी जनता के मन में जो छवि बनी, उस छवि ने तमाम सियासी समीकरणों की धज्जियां उड़ा दी। तो ये थी वो 10 वजहें जिनके चलते यूपी में फिर से योगी आदित्यनाथ के नारे गूंज सके। टीम खबर अपडेट।